हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। और आज की चर्चा का विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के सामने, और आप स्क्रीन पे लगी हुई इस इमेज से ये जान सकते हैं कि सर आज बात किस पे करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। एक एस्पिरेंट जैसे ही ये नाम सुनता है, सबसे पहली चीज जो आती है उसे वो है गुस्सा, और बेहद ज्यादा उसे एक मन में चिढ़ और नफरत पैदा होती है रेलवे डिपार्टमेंट से। लेकिन इस गुस्से को चैनलाइज करने का, इसका सही यूज करने का अब सही टाइम आ रहा है। आपको कोई भी होश में आकर के अपना होश खोने जैसे कदम नहीं उठाने हैं, बहुत ही एकदम मैनर्ड वे में इस गुस्से को चैनलाइज करना है, और उसी पे बात करने के लिए आप सभी के सामने मैं आज हाजिर हूं। आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम लगभग लगभग हमारे देश के 1,30,28,000 से ज्यादा छात्रों ने इस परीक्षा का फॉर्म भरा था। आप इस बात से वाकिफ ही होंगे कि जो नोटिस आया था अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पोस्ट के लिए एनटीपीसी की, वो आया था लगभग लगभग फरवरी 2019 में। और इसके बाद आरआरबी ने आपको फॉर्म भरने का जो टाइम दिया वो करीबन एक महीने का दिया था, 1 मार्च से 31 मार्च 2019 तक का टाइम। करीब करीब इतने ज्यादा, ठीक है, करोड़ से ऊपर संख्या में है बच्चे, और उन्होंने पूरी एक उम्मीद के साथ अपना फॉर्म फिलअप किया कि उन्हें या तो ग्रेजुएट या तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट मिलेंगी, और वो अपना कहीं ना कहीं एक तरह से सपना साकार कर पाएंगे एक गवर्नमेंट एग्जाम लेने का, एक गवर्नमेंट पोस्ट लेने का गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू। लेकिन आज 3 साल बाद कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ना ही किसी भी प्रकार का आज तक रिजल्ट आया है प्री वाले एग्जाम का, सीबीटी वन एग्जाम का, और ना ही आगे का कि कोई डेट हो कि कब रिजल्ट आएगा या कब अगला एग्जाम होगा, कब मेंस का एग्जाम होगा, सीबीटी टू का एग्जाम होगा, कोई डेट नहीं है। मतलब टोटली फ्यूचर एक एस्पिरेंट का अंधकार में है, जो कि एक उम्मीद लगा के रखा था रेलवे डिपार्टमेंट से और हमारी इंडियन गवर्नमेंट से। तो आज उसी पे पूरी चर्चा होगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या ध्यान में रखना है। सारे जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म के एजुकेटर्स हैं वो सभी एक यूनाइट होकर के कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जितने भी उनसे जुड़े एस्पिरेंट हैं जिनका कहीं ना कहीं फ्यूचर दांव पे लगा है, उनके लिए कुछ अच्छा कर पाए और एक उन्हें सामने एक कह सकते हैं प्रकाश की किरण नजर आने लगे कि उनको आखिर करना क्या है। तो उसी पे बात करेंगे। पहले बातें समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा कि एग्जाम जो आपका फॉर्म फिलअप कराया गया था वो एक महीने में कराया गया था। इसके बाद हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, ना ही रेलवे ने कोई इंफॉर्मेशन दिया, आगे किसी भी प्रकार का कैलेंडर नहीं था कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, एग्जाम का जो टेंटेटिव शेड्यूल बताया गया था वो आपका बताया गया था जून से सितंबर में कराया जाएगा 2019 में, लेकिन केवल ये टेंटेटिव डेट आपकी इसी नोटिस पे दिखाई गई। इसके बाद जून निकल गया, सितंबर निकल गया, पूरा 2019 निकल गया, कहीं पे कोई चर्चा नहीं थी इस एग्जाम को होने की। फिर आया 2020 का पेंडेमिक। आपको पता है कि कोविड 19 की वेव आई, कोविड 19 की वेव सबको पता है झकझोर के रख दिया था सारे एग्जाम, ना ही रेलवे, एसएससी और इनफैक्ट यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सारे एग्जाम पोस्टपोन हुए, जो कि होनी भी चाहिए थी, बहुत ही सही निर्णय था वो। तो ठीक है, सभी की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इसके बाद जो एग्जाम पहले कंडक्ट हो सकता था जून और सितंबर में, उस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, लापरवाही सरकार की भी और आरआरबी बोर्ड की भी। और फिर इसके बाद पेंडेमिक के बाद कहीं जा करके जैसे ही थोड़ा सा कंडीशंस नॉर्मल हुई तो ये एग्जाम आपका जा करके शुरू हुआ होना, और एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ 28 दिसंबर को। आप सभी को पता है आपका एग्जाम हुआ था 28 दिसंबर 2020 को, ये एग्जाम शुरू हुआ और पूरा अप्रैल तक ये आपका एग्जाम चला था। ठीक है, लगभग लगभग आपका एग्जाम ये 4-4.5 महीने के करीब चला था, और 1,30,00,000 से ज्यादा बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए थे। ये तो फॉर्म तो पता नहीं कितनों ने भरा था, ये उन बच्चों का डेटा है जिन्होंने ये परीक्षा दी थी एक उम्मीद के साथ कि उन्हें अपनी गवर्नमेंट
पोस्ट मिलेगी, एक उनका कहीं ना कहीं एक अपना सपना साकार होगा, ठीक है। तो उन्होंने इसको ज्वाइन किया, लेकिन इसके बाद हुआ क्या, कहीं पे रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं था, ना ही आगे का कोई आरआरबी ने कैलेंडर निकाला था कि कब आपका सीबीटी वन का रिजल्ट आएगा, कब आपका सीबीटी टू की डेट होगी, उसका रिजल्ट कब आएगा, आगे की कोई प्रोसेस किसी को कोई कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद आपको पता है कि तुरंत से ही सेकेंड वेव आ गई, सेकेंड वेव आ गई तो एक बार फिर से मौका मिल गया, कह सकते हैं चीजों को डिले करने का, चीजों को टालने का, और एक इन्होंने अपना नोटिस निकाल दिया कब, 31/5/2021 को, यानी कि इन्होंने 31 मई 2021 में एक नोटिस निकाला कि सेकेंड जो वेव है कोविड-19 का वो एक बार फिर से फैल रहा है, इसलिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आपकी आगे स्थगित की जाती है, ठीक है। आगे की नोटिस उन्हें बाद में प्रोवाइड कराई जाएगी कि कब उनका आगे एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा। सीधे सीधे यहां पे लिखा है, कैंडिडेट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट फर्दर शेड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज्ड इन ड्यू कोर्सेज वन द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय वेरियस स्टेट्स आर इज्ड। मतलब कि जब सभी जगह कोविड-19 थोड़ा इजी हो जाएगा तब इसके बाद वो बताएंगे फर्दर प्रोसेस। आपको पता है काफी महीने बीत चुके हैं सेकेंड वेव को गए हुए, लेकिन आज तक यहाँ पे कोई भी नोटिस नहीं आया। फिर से वही लापरवाही वाली बात कि कब होगा सीबीटी वन का रिजल्ट, कब अनाउंस होने वाला है, कब सीबीटी टू का एग्जाम होगा, कोई भी नोटिस अभी भी नहीं आई है। एक केवल और केवल लोग जो उम्मीद लगा रहे थे कि नवंबर एंड में, यानी नवंबर के फोर्थ वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट अभी देख ही रहे हैं, नवंबर ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया, कहीं पे कोई नामो निशान नहीं है। तो इन्हीं बातों पे अब सभी लोग मिल करके एक आपका कैंपेन शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी डेट क्या होगी और किस प्रकार से हमें ये सारी चीजें करना है ये डिसाइड हो रहा है, फिक्स नहीं है, लेकिन आगे से आने वाले 2 से 3 दिनों पे मैं आपको फिर से बताऊंगा कि बेसिकली जो ये एक गुस्सा भरा है सभी बच्चों के अंदर, एक आक्रोश भरा हुआ है, इसको चैनलाइज कैसे करना है, कैसे आपको थोड़ा सा प्रोटेस्ट करना है गवर्नमेंट के खिलाफ, कैसे प्रोटेस्ट करना है आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के खिलाफ, ताकि आपका फ्यूचर जो दांव पे लगा है, जिसको सरकार ने मजाक बना रखा है, तो उन चीजों से निजात कैसे पाया जा सके। सभी प्लेटफॉर्म के सभी अच्छे एजुकेटर्स, सभी लोग ऑलमोस्ट यूनाइट हो रहे हैं और सभी से ये बात की जा रही है, चर्चाएं हो रही है कि हमारे एस्पिरेंट जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी परेशान है इन चीजों से, उनके लिए कैसे इन चीजों को रिजॉल्व किया जाए। कुछ लोगों का मानना था स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट कि फिजिकल प्रोटेस्ट किया जाए, यानी कि धरना पे बैठा जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ये सही टाइम है धरने का। आज के इस डिजिटल टाइम पे हमें जितना हो सकता है कोशिश करनी चाहिए डिजिटल वे में अपना प्रोटेस्ट शो करने की, लेकिन अगर डिजिटल वे में भी प्रोटेस्ट शो करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिला तो फिर लास्ट ऑप्शन तो आपको भी पता है कि धरना है। लेकिन आपको जो भी बताया जाएगा आगे से आने वाले 2 से 3 दिनों में, जो भी अपडेट दी जाएगी, प्लीज सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन सारी जो भी कैंपेन्स चलेंगे पार्टिसिपेट करिएगा ज्यादा से ज्यादा। ये हमारे लिए नहीं, ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए बता रहा हूँ। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करिए और पहुंचाइए सभी स्टूडेंट्स तक कि भाई सारे प्लेटफॉर्म मिलके हमारे लिए कुछ करने जा रहे हैं, जहां पे हमें एक होप मिल सकती है आगे आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स हैं तो वो एक मैनर्ड वे में आपके कंडक्ट हो पाए, ठीक है। चलिए जय हिंद गाइस, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ अपने, ताकि सबके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। जल्दी मैं आपको अगली अपडेट दूंगा जैसे ही पूरी चीजें डिसाइड हो जाएंगी कि कैसे आपका कैंपेन आगे वर्क करने वाला है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।